हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है, खैर खैरियत से। तो मेरा ब्लॉग अभी शाम से जो है स्टार्ट कर रही हूँ, और अभी मैं जो है योगा क्लासेस से आई हूँ। योगा क्लासेस से आने के बाद हमारी बेटी ने रख दिया है अंडा उबलने के लिए, और कुछ जो है बाहर से, मतलब योगा क्लासेस से आते आते तो कुछ नाश्ते का सामान भी लिया है, सब्ज़ी भी लिया है। तो सब्ज़ी में क्या लिया है दिखाती हूँ आपको। तो ये है जो है नाश्ते का सामान, है खारी वगैरह है, नमकीन है, बेफर है, मतलब जो केले का बेफर आता है ना वो। ये देखिए मगरिब का टाइम हो चुका है, आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा उजाला है, बस टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। चलो, हमारे इधर तो टाइम हो गया, हर जगह का टाइम अलग अलग होता है, तो अभी चलिए नमाज़ पढ़ लेते हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो ज़रूर पढ़िए। तो अभी मेरा कुरान शरीफ पढ़ के हो गया, मेरी चाय भी बन चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा चश्मा जो है टूटा, इसको जो है ना मैं ऐसे ही लगा के जो है काम चला रही हूँ, याद ही नहीं था कि इसको बनवाना है। इसकी डंडी टूट गई, और कैसे टूटी वो भी मुझे नहीं पता है मेरे को। अब मैंने बेटे को कल जो है ना, कल ही जो है टूट गया था। बस ये कि जो है ना, जब लगाती हूँ कुछ देखना उखना रहता तभी जो है ना चश्मा लगाती हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं लगाती हूँ। तो जब भी फिर एक दो बार याद आया कि बनवाना है बनवाना, फिर याद ही नहीं आया। अभी जो है कुरान शरीफ जब पढ़ने लगी तो पता चला कि है तो टूटा हुआ। फिर मैं बोली कि चलो काम चला लेते हैं, ऐसे ही लगा के फिर बोलते हैं बेटे को। तो कल उसको दिए थे, ये इसमें जॉइंट था, मगर उसको कल दिया था कि जिसको जो है ठीक कर दो, अगर टाइट होता है तो वो करने लगा। पता नहीं क्या हुआ, ये टूट के हाथ में आ गया। मैं बोली चलो अब जो है खर्चा बढ़ ही गया है, इसका पूरा फ्रेम चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो अभी मैं कुरान भी पढ़ ली हूँ और मेरी चाय भी जब तक रेडी हो चुका है, तो चलिए जी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। चलिए जी, शाम का चाय पानी सब हो गया है, तो अभी तैयारी है जो है रात के डिनर की। और रात के डिनर में आज मेरी छोटी बेटी बना रही है फर्स्ट टाइम। क्या बना रही हूँ आपको बताती हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे तो बहुत कुछ बनाया है उसने, और सब चीज़ आता है उसको, वेज से लेके नॉन वेज तक, तो पर ये चीज़ जो है ना फर्स्ट टाइम बना रही है। अब वो बना रही है आज जो है मुरादाबादी बिरयानी बना रही है। तो चलो अभी मैं थोड़ा उसका हेल्प कर दूँ, थोड़ा हेल्प करूँगी बस, मतलब जो मेरे लायक होगा मैं कर दूँगी, बाकी वो बनाएगी। उसको शौक़ है, मतलब कि वो मतलब बोल रही थी कि मैं बनाऊँगी बिरयानी, तो मैंने ठीक है। अच्छा है ना, बच्चे लोग जब अपने आपसे सीखते हैं कुछ, मतलब खाना वाना बनाना या कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ें जो चीज़ रहती है तो खुशी मिलती है। तो चलो जी, पहले जो है चिकन लाया है, 1 किलो चिकन है, तो उसको मैं धुल के दे देती हूँ। क्या बच्चे लोग ना थोड़ा चिकन उकन धुलने में, वैसे तो खाने को खा लेते हैं, पर जो जो मतलब कच्चा रहता है ना उसको देख के वो मतलब कभी कभी वो हो जाता है मन। तो चलो मैं धुल के दे देती हूँ उसको, और बाकी चीज़ें अगर काटना वटना होगा वो सब काट पीट के देती हूँ उसको। चलिए जी, मैंने चिकन को अच्छे से धुल दिया है, और चिकन को खास करके मैं बच्चों लोग से, मतलब बेटियों से नहीं धुलाती हूँ कि जो है उनको अच्छा भी नहीं लगता, और मुझे भी ऐसा लगता है कि बराबर से धुल नहीं पाएंगे। उनको पता भी नहीं कि मतलब क्या क्या उसमें से निकालना है क्या नहीं निकालना है, तो काफ़ी मतलब धीमे धीमे इसको साफ़ करना पड़ता है। अच्छे से साफ़ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे ही साफ़ करके बस हो गया उनका, 2-3 पानी में से खंगाला निकाल लिया। पर इसमें से जो है ना कुछ होते ना पतले झिल्लियाँ होती हैं, तो कुछ जो भी जो खाने वाला चीज़ नहीं रहता उसको निकालना पड़ता है। तो मैं तो बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, नहीं तो फिर मन नहीं भरता है, और ऐसा मतलब ठीक से ना धुला रहे तो मन नहीं भरता है कि जो है इसको खाए। तो चलो वेज धुल दिया है, अब इसमें ढक के रखा हुआ है भाई। अभी मैं ना चिकन, कच्चा चिकन मतलब नहीं दिखाऊंगी, मतलब ऐसा होता है ना नॉन मुस्लिम भी हमारे जो है सब्सक्राइबर है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऐसा उनको मतलब अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो है ना कच्चा नहीं दिखाएंगे, हाँ पकने का मतलब जब मिक्स हो जाएगा मसाले में भुन जाता है तो दिखाऊंगी। एक्चुअली ना इस चिकन जो मंगाई हूँ ना उसमें 3 टांग है, तो अभी देखो अपनी बेटी से मस्ती करती हूँ कि देखो इसमें 3 टांग है, लगता है मुर्गे की 3 टांग थी। तो चलो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, उसको भी पता है कि मस्ती कर रही हूँ, देखते हैं ना, मस्ती मजाक करते रहना चाहिए। बड़ा टाइट, और 1 मिनट चलो देखते हैं क्या कर रही हो। भी साइमा मुर्गे की तो 3 टांग थी उसमें, सच्ची में 3 टांग है। नहीं सैब बोला कि उसके मुर्गे की 3 टांग थी। अरे इंसान के 3 टांग एक्स्ट्रा उसको अटक रहा था वो, जैसे इंसान को एक्स्ट्रा रहता है ना बिना जान वाला, वैसा वाला है। सैब बोला था कि यूनिक मुर्गा था वो। अरे कुछ हो ना,
हैं दुकान बढ़ा कर आ जाइयो बोला इस टाइम मिल रहा था तो अभी क्या करने का ले लेने का तीन टांग आ जाएगा जिसने मुझे जादुई क्रीम पाउडर दिया है जस्ट मजाक कर अच्छा तुम सही जान गई थी क्या पहले मजाक लगा फिर अभी आप बोली ऐसा सीरियस हो गए तो तब भी मजाक तो कभी कभी सीरियस करना पड़ेगा क्योंकि जो चीज नहीं नामुमकिन है तो उसको कैसे करना है सच्ची होगा एक्स्ट्रा डाल दिया होगा ये तीन टांग था उसको तो यही तो होता है वो कि कैसे जो है सच झूठ को सच साबित किया जाए चिकन अच्छे से साफ कर दी और ये सब मां बेटी को कल बनाना था बोली तो मैं पहले से ला के रख दी थी कि अगर मूड हुआ ठीक है तो बना देगी नहीं तो एक दो दिन बाद भी बना सकती थी पर आज ही उसका मूड बना हुआ है तो ये देखो सारी चीज़ें है जब जो है इसका मूड बन जाता है ना तो कोई वो नहीं आलस कुछ नहीं आता इसको अभी प्याज भी इसमें प्याज थोड़ा लगता है ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा मसाले वाला नहीं रहता और एकदम सिंपल सा रहता है और जो है टेस्टी भी रहता है मतलब जिसको मसाले वाली नहीं खानी मुरादाबादी बिरयानी बनाओ खाओ मस्त तो एकदम चटपटी सी बनती है तो चलो ये सब खड़ा मसाला डाला जाएगा ना पीसा तो नहीं जाएगा ना कोई भी चीज़ पाउडर इसका बनेगा और ये धनिया और ये सौंफ है इसका पाउडर बनेगा और एक चीज़ ला के रखी हूँ ना मिर्ची तीखा कौन सा हाँ ये तीखी वाली है थोड़ा हाँ ये तीखी वाली मिर्ची है पर और डालो ना वो ऐसा कभी कभी ज़्यादा अच्छा हाँ बस हाँ अभी एक चीज़ और लेके आई ये जो हम रेडीमेड मिलता है ये घर में भी बन सकता है कि नहीं चलो ठीक है देखते हैं क्या मैं पूछ रही हूँ मुंबई में ज़्यादा बिरयानी बिकती है कि जो है दिल्ली में दिल्ली का खाना अलग ही दिल्ली खाने वाने के लिए बहुत फेमस है ना चाट वाट के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड से लेके हाँ मुझे मतलब देखती हूँ चाट वाट का मतलब ज़्यादा मैं देखी हूँ बाकी जो हैदराबाद है ना खा जैसा नॉन वेज के लिए हाँ हैदराबाद जो बिरयानी के लिए फेमस है वहाँ पे बहुत तरह की जो बिरयानी बनती है वही बनाने के तो बहुत तरह के बनती है पर उसमें मेहनत लगती है क्या क्या तो डाला जाता है जो उन लोग का एकदम सीक्रेट मसाला रहता है वो तो अभी जो चीज़ पीसना है उसको पीस लिया गया है सौंफ को देखो दरदरा पीसा है और धनिया को भी दरदरा और हरी मिर्ची ये भी दरदरी पीसी हुई है अभी लहसुन और अदरक का भी पेस्ट बन रहा है वो भी दरदरा पीसना है नहीं उसको नॉर्मली जैसा पीसते वैसे पीसना है तो अभी लहसुन अदरक भी पीस चुका है अभी थोड़ा सा और पीसना है बारीक तो फाइनली सारे मसाले हो गए हैं रेडी अब बनाने की तैयारी करनी है जो भी पीसना था सब पीस उठा है और ये देखो इसको क्या बोलते हैं चकली फूल बोलते हैं यहाँ पे और ये जायत्री है ये सब तेज पत्ता वो नहीं डालोगी दालचीनी की लकड़ी हाँ तो दालचीनी की लकड़ी अभी अंदर उसको भी निकालेंगे तो ये सब मसाले पड़ेंगे बस बाकी और वो वाला दिखा दो सारी वो एक मसाला जो कि हमारे हैदराबादी बिरयानी की जान है मतलब वही सबसे या हैदराबादी में हैदराबादी मुरादाबादी में कंफ्यूज रहती हूँ सॉरी यहाँ मुरादाबादी हाँ नहीं 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 सॉरी अगर मैं मिस्टेक कर दी हूँ तो समझ जाइए वो मतलब मिस्टेक से बोली हूँ तो ये मुरादाबादी बिरयानी है अभी सोच के हाँ सही में तो ये मुरादाबादी बिरयानी है भाई तो जो मसाला है वो उसकी जान है स्पेशली वही चीज़ मतलब जायका बढ़ाता है तो आपको दिखाते हैं बाद में जी अभी मैरिनेट करना है चिकन को उसी में स्पेशली हाँ हाँ 10-15 मिनट मतलब आधा घंटा भी कर सकते हो बस इतना आधा घंटा बहुत है तो चलिए जी चिकन मैं आपको कम दिखाऊंगी तो अगर लेग पीस हो तो उसमें जो है आप 2-3 कट मार दीजिए लेग पीस पे जैसे कि जो है उसमें मसाला वगैरह अब्जर्व हो जाए मैरिनेट हो रहा है जो चिकन तो अभी कच्चा है चिकन इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगी मैं बता रही हूँ क्या क्या मिक्स किया है उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है थोड़ा सा मेरे ख्याल से 50 ग्राम के लगभग थोड़ा सा 100 ग्राम या 50 ग्राम पकड़ लीजिए दही डाला है तो मैं अभी आपको बता रही हूँ ऐसे ही
तो जब कंप्लीट सारी चीज़ें मिल जाए मतलब डाल देंगे मिक्स कर देंगे तब तो आपको फाइनल लुक दिखाएंगे उसका। तो अभी हरी मिर्ची है दरदरा जो मतलब पीसा हुआ था, तीखा अपने मन से मतलब आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से करिएगा, और लहसुन वो सॉरी और क्या बोलते हैं सौंफ और जो है धनिया का जो पीसा हुआ था दरदरा वो सब डाल दिया है। और अभी डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर नहीं ना, तो जो जीरा होता है ना वो है, इसका पाउडर नहीं है ऐसे जीरा डाला है खड़ा हुआ, कम से कम 2 टीस्पून डाला हुआ है जीरा खड़ा। तो अभी थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ, जायत्री का फूल भी डाला हुआ है, चकली वाला फूल भी डाला हुआ है, सब डाल दिया है जो खड़ा डालना था, नमक भी डाल रहे हैं। और ये देखो इसका ये मसाला जो स्पेशली जो इसके लिए है मुरादाबादी बिरयानी का, ये देखो ये है एकदम अचार के जैसा, इसकी स्मेल आ रही है अचार ही, और ये अचार ही है पर जो है अचार के जैसा मुझे नहीं लग रहा है पर मसाला है। तो अभी नींबू भी इसमें 2 केक आधा ही डालूंगा, क्यों आपकी वजह से मैं आपको खट्टा लगेगा तो नहीं ऐसा नहीं लगेगा, अरे ये अभी खट्टा बनाएगा ना इसे। अच्छा चलो हाँ फिर ठीक है फिर। तो अभी मिक्स कर देंगे सारा चीज़, सामान डाल दिया है जो जो डालना था, तेज पत्ता नहीं डालना है अभी बाद में लास्ट में डालना, तेज पत्ता लौंग काली मिर्च। अच्छा जो पिसे हुए चीज़ें हैं खड़े चीज़ जो डालने थे मतलब जैसे जीरा वगैरह था वो डाल दिया, अभी तेज पत्ता दालचीनी की लकड़ी लौंग इलायची और भी थोड़े खड़े गर्म मसाले वो सब डलेंगे, वो बाद में डाला जाएगा पर अभी मैरिनेट के लिए इतना ही ज़रूरत है इसकी। तो अच्छे से मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट रख दो, आधा घंटा रख दो बस, उससे ज़्यादा नहीं रखना है तो मत रखो, बस आधा या 15 मिनट ज़रूर रखना है। इंस्टेंट भी बना सकते हैं हाँ, ये कि है कि आप 10-15 मिनट भी रख दोगे तो भी ज़्यादा ठीक है, नहीं तो आधा पौन घंटा भी चलेगा, टाइम इसलिए रख दे नहीं रहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ बहुत से लोग झटपट बना देते कोई ध्यान होटल में झटपट होटल वगैरह में जो रहता है झटपट से वही बस जो इंतजाम करते रहते काट पीट रहता है उसी में जब तक वो रख देते हैं मैरिनेट करके बाकी वो झटपट ही बनाते हैं। तो अभी 15 से 20 मिनट के लिए उसको रख दिया है फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए। तो अभी जब तक प्याज काट लेते हैं तो मैं काट के दे देती हूँ फटाफट से, ये सब काम मैं जल्दी जल्दी कर दूँगी तो जल्दी हो जाएगा। वैसे ये भी करती है पर ये बारीक बारीक वाला काम ज़्यादा करती है, जो बारीक बारीक चॉप होता है ना ये दोनों काम कर लेती पर ये मैं जल्दी जल्दी कर दूँगी, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। तो ये 4 प्याज़ मीडियम साइज के हैं, तो 1 किलो चिकन है, 1 किलो हमारा जो है चावल है बासमती, इसमें जो है ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मीडियम साइज़ के 4 प्याज इसको जो है बारीक बारीक कट कर लिया है, और ये खड़े मसाले भी हैं तेज़पत्ता है दालचीनी की लकड़ी है ऐसे 4 से 5 पीस जो है इसके, और 3 बड़ी इलायची है, लौंग है 5 से 6 और छोटी इलायची है 3 से 4, बस इतनी चीज़ें हैं जो चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा है ना उसी में ये फिर से डलेगा जब वो जो उसको बाहर निकालेंगे तब उसमें मिक्स करेंगे। चलिए अभी हमारा चिकन हो गया है मैरिनेट हो गया है तो अभी बनाने की तैयारी हो रही है, तो तेल डाला जा रहा है, तेल अपने हिसाब से है कि नहीं जो जैसा खाता है उस हिसाब से यूज़ करो, तेल या घी में भी बना सकते हो मतलब डालडा घी, हम बना रहे हैं तेल में। अभी ये गर्म होगा इसके बाद प्याज डलेगा, तेल हो गया है गर्म तो अभी प्याज डालेंगे जो 4 मीडियम साइज के प्याज थे वो कट करके डाल रहे हैं, इसको डार्क ब्राउन करना है थोड़ा कि लाइट ब्राउन, तो इसको जो प्याज को डार्क ब्राउन करना है ना जलाना नहीं है मतलब डार्क ब्राउन करना है ना। तो अभी जब तक ये ब्राउन होता है तो जब तक ये ब्राउन होता है मैं कुछ और कर लेती हूँ। अभी जो है प्याज ब्राउन हो गया है डार्क ब्राउन हो रहा है बस,
20-30 सेकंड और है बस हो जाएगा हमारा। इसमें थोड़ा सा 2-3 जो है मिर्ची भी डाली हुई है हरी, तो अभी प्याज हो गया है, तो अभी जो मैरिनेट करके रखा हुआ था तो वो सब डाल रहे हैं। क्या खुशबू आ रही है मस्त एकदम, ये अचार की खुशबू, अचार और जो बाकी मसाले हैं मस्त एकदम खुशबू है इसकी। इसमें लाल पाउडर, लाल मिर्च पाउडर नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं डलेगा, ना हल्दी, ये सब कुछ नहीं डलेगा। तो इसको अब अच्छे से भूनना है ना। अच्छा तो चलो जी, हमारा चिकन हो गया भूज के, और जो पानी छोड़ा है ना इसको पानी नहीं सुखाना है, इसी में और पानी ऐड करेंगे, है ना, हाँ। तो यही बात है कि इसको सुखा देंगे ना तो इसका टेस्ट जो गायब भी हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगा था कि इसको सुखाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में मतलब भूज भाज के तभी पानी डालते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसे जैसे पानी छोड़ दे भूज के, भूज अच्छे से भूजना है, बस पानी छोड़ने के बाद इसमें जो है ऐड कर देंगे, और पक भी गया है, पक भी गया है, धीमे आँच पे रखा ना, धीमे धीमे करके पानी भी छोड़ा और पक भी गया है। तो चलो अब पानी ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, जितना मतलब डालना है। तीन गिलास है नाप के डालूंगा। क्या बात है, अच्छा ये हमारा बड़ा गिलास से 3 गिलास है। तो चावल का देखो आपके उसमें चावल कैसे बनता है, मतलब अपना अंदाज उसमें जो है अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि चावल में कितना पानी डालना है। कोई कोई चावल होता है थोड़े पानी मतलब जल्दी पक जाता है, कोई रहता है थोड़ा टाइम लगता है, चावल भी अलग अलग होते हैं ना। तो अभी ये उबलेगा, इसके बाद जो है जो चावल है ना फूल गया हमारा अच्छे से, देखो। तो अभी हमारा जो है हो गया है, अब इसमें चावल जो है पानी उसका छान के इसमें डाल रहे हैं। इसको जो है ना ज़्यादा एकदम तेज तेज से नहीं चलाना, क्योंकि जो है चावल वगैरह जो भिगोया रहता ना तो जल्दी टूट जाता है, अगर ज़्यादा आप इसको चलाओगे तो। हल्के हाथ से मतलब जितना ज़रूरत है उस हिसाब से करो बस, ज़्यादा नहीं, चम्मच हिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये फाइनल है, बस ये जो है पानी जब हो जाएगा सूख के, चावल पक जाएगा, तो इसको दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट ना। तो 10 से 15 मिनट ये जो है दम पे रखा जाएगा, तावे पे रखना जो है। तो इस बिरयानी के साथ में बनेगा जो है रायता, मतलब खीरा वाला कचूमर, मतलब कचूमर बना रही हूँ, रायता, तो रायता बना रहे खीरे वाला, तो आपको बाद में दिखाते हैं कैसे बना रही है। और इसके साथ में रहेगा टमाटर की चटनी वैसे वाली, जो पीस के जो बनाते हैं वाली। और ये देखिए हमारा पुराना चश्मा है ये, जो कि मैं रखा हुआ है कि इमरजेंसी में कभी कुछ हो, चश्मा ख़राब हो जाए या टूट फूट जाए तो उसके लिए। तो खीरे का रायता बन रहा है, खीरे को कद्दूकस कर लिया है, इसके बाद इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था निचोड़ लिया गया है। और अभी दही को ना अच्छे से इसको फेंट के इसी में मिक्स कर देंगे, नमक, नमक डाल के, या खाने के टाइम नमक डालना है डाल। अच्छा हाँ, ये तो वैसा वाला है ना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि बारीक बारीक कट करके डालते तो उसको बाद में डाल तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे अपने टेस्ट के हिसाब से जो जैसा बनाना चाहे बना सकता है, मगर ऐसा। तो अभी हमारी बिरयानी पक चुकी है, 10 से 15 मिनट इसको जो है रखा था दम पे, तो अभी गैस बंद कर दिया गया है। तो अभी मैं जो है ढक्कन को अभी नहीं खोलूँगी, जो है गैस तो बंद है, पर 5 मिनट के बाद इसको खोल के जो है देखा जाएगा। हाँ, तो चलो जी, अभी हमारा जो है देखिए ढक्कन जो हटा दिया है, दम पे रखा हुआ था, अभी ठंडा भी हो गया थोड़ा नॉर्मली। तो देखो कितना अच्छा लुक आया, मस्त खुशबू तो वैसे ही आ रही है जैसे मार्केट वाली, सही में वैसे ही आ रही है। अब खाने के बाद जो है देखते हैं कि हमारा मार्केट वाला जो है ज़बरदस्त होता है कि या जो घर में जो बनाया हुआ है, घर में वैसे बनाया हुआ तो माशाल्लाह से ज़्यादा ही लजीज लगता है, क्योंकि अपने हाथ का बनाया हुआ रहता है ना। तो चलो चलाना है, तो चलो चला दो। ये देखो, वाह, खाने में तो बहुत मस्त होगा, क्योंकि ये जो ना थोड़ा जूसी वाला रहता है ना, तो सबको हमारे घर में भी पसंद है जूसी टाइप का।
तो चलो जी, अभी भूख लग रही है, 11 बजने वाले हैं, हस्बैंड जी खा लिए हैं और मैं अभी जा रही हूँ खाने, क्योंकि मुझे जो है ना, मैं सोच रही थोड़ा रुक के खाती हूँ जिससे कि और भी ज़्यादा खाऊँ। ऐसे ही ब्यामला हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। बस इतना ही, हम इतना लेते हैं, बाकी जो है इनफ है, इतना इतने से पेट भर जाता है। जितना नॉर्मली चावल खा लेते हैं ना, उतना ही मतलब ये बासमती चावल वगैरह नहीं खा पाते हैं। तो अभी ये देखिए, तभी निकाल लेते हैं रायता। तो ये है जो है खीरे का रायता, इसमें थोड़ा मीठा फ्लेवर बेटी मेरी डाली है, इसमें कुछ मीठा मतलब शक्कर वगैरह डाला है, देखते हैं चख के आपको बताते हैं डाला है कि नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा, हस्बैंड जी खाए बोलते हैं हाँ मीठा मीठा मतलब हल्का मीठा फ्लेवर आ रहा है, तो बोले बहुत अच्छा बना हुआ है, तो खाए वो भी खाते नहीं है, बड़ा शौक से खाए ये रायता वगैरह, उनको खाते ना तो उनको सर्दी हो जाती है, मगर इसको खाए, बिरयानी भी थोड़ा खाए। ये हो गया, और अभी दूसरा जो है निकालते, चटनी भी है बनी हुई है, चटनी किससे निकालूं, चम्मच। ये है टमाटर पीस के बना हुआ है, टमाटर और लहसुन, इसमें धनिया नहीं डाला है, ऐसे सिंपल मतलब ऐसे ही बनाया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, नहीं तो बोलते ना ज़्यादा देख के इंसान सोचता अभी बहुत खाऊंगी, ले लेता, फिर उसके बाद वो देख के पेट भर जाता है, फिर थोड़ा खाता है तो पाँच छीने वाला। इस चटनी के साथ पहले खा के देखते हैं, लाल वाली टमाटर वाली की इसके साथ खा के देख रहे हैं। बहुत अच्छा बनाया, टेस्टी बनाया है, स्पाइसी भी है और सब चीज़ है, पहली बार में इतना अच्छा बनाया है, मतलब पहले फर्स्ट टाइम बनाई हो पूरा, मतलब अच्छे तरीके से बनाया है। इस टमाटर की चटनी के साथ भी अच्छा लग रहा है, और रायता के साथ में देखते हैं। दोनों चीज़ के साथ बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही यमी लग रहा है, बिरयानी भी बहुत ही मज़ेदार जायकेदार सी है। देखे कोई आया हुआ दरवाजे के पास, तो अभी मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी देखते देखते अपना जो है बिरयानी इंजॉय करूँगी। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ, आपसे फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, हमारे चैनल को जो है ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ लाइक बहुत सारा करिए, क्योंकि हमारी बेटी ने जो इस रेसिपी में बहुत ही मेहनत की है, तो बहुत ही टेस्टी भी बनाया है, तो इसके लिए तो बनता ही बनता है भाई, जो है लाइक तो बनता ही बनता है, ढेर सारा लाइक करिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।